इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, शायद एक छोटी सी कहानी आपका लाइफ चेंज कर सकता है, जैसे मेरा चेंज कर दिया। अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस होना है, आपको लाइफ में कुछ करना है, तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। एक उदयपुर नाम के एक राजा था, जहां का राजा का नाम उदय सिंह था। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी मेघा। तो राजकुमारी मेघा जब 18 वर्ष की हुई तो उनको रात में एक आवाज सुनाई देता कुछ इस प्रकार से। तो जंगल से ये आवाज आता और उनको आवाज ये डेली सुनाई देता, तो उनको लगता कि शायद कोई तो है जो जंगल की ओर उन्हें बुला रहा है या बुला रही है। तो एक दिन वो उस आवाज के पीछे पीछे जंगल की ओर चली गई। तो उसके बाद जब सुबह हुआ तो वो घर वापस नहीं आई। तो राजे में अफरा तफरी का माहौल हो गया कि राजकुमारी गुम हो गई या किडनैप हो गई, कहां मतलब चली गई पता नहीं, सब बहुत ढूंढे लेकिन मिली नहीं। मतलब करीब 10 या 15 दिन हो गया वो घर नहीं लौटी। तो उसी राजे का एक पंडित जी जो बगल के गांव से शादी कराकर आ रहे थे उसी राज्य में, तो जंगल के रास्ते आ रहे थे तो एक तालाब मिला। तालाब के बगल में एक पेड़ था, तो उसी पेड़ के छाया तर वो थोड़ा सा आराम करने बैठ गए। तो उस पंडित जी को सुनाई दिया कि पंडित जी मैं राजकुमारी मेघा। तो पंडित जी इधर उधर देखे तो वहां तो कोई नहीं था, कोई दिखे नहीं रहा था। तो फिर आवाज वो आई कि पंडित जी मैं राजकुमारी मेघा। तो पंडित जी देखे इधर उधर, तो राजकुमारी बोली कि मैं तालाब से बोल रही हूं। तो पंडित जी देखे, तो पंडित जी कहे कि राजकुमारी मेघा आप तालाब में पानी कैसे बन गई। तो बहुत ही सरल स्वभाव से एकदम राजकुमारी मेघा बोली, ध्यान दीजिएगा यही मुख्य बात है इस कहानी का, बहुत सरल स्वभाव से बोली राजकुमारी मेघा, सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। फैला दीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप में हर जगह फैला दीजिए, शेयर करिए एकदम दबा के।